गुड मॉर्निंग बच्चों, शांतिपुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था भूकंप एक प्राकृतिक घटना, और आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक। ये माना जाता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल एकल ठोस गोला नहीं है, ये कई खंडों में बटा है, जिसे प्लेट कहते हैं, जिसकी चौड़ाई कई सौ से कई हजार किलोमीटर तक होता है। यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत सारे खंड होते हैं जिनमें प्लेट से प्लेटें की तरह बनी होती हैं, और जो कि कई सौ से बहुत सारे हजार किलोमीटर तक होती हैं। ये प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष निरंतर खिसकता रहता है, यानी गति करता रहता है। ऐसा माना जाता है प्लेटों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और ऊष्मीय प्रभाव से चलने वाली संवहज धाराएं पृथ्वी के अन्य दृढ़ आंतरिक भाग में इन प्लेटों की गति को बनाए रखता है। मतलब इनमें कुछ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कुछ संवहज धाराएं होती हैं, वो ही इन प्लेटों में गति कराती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर द्रवित पदार्थ के ठंडा और गर्म होने के कारण कुछ क्षेत्रों में ये प्लेट पृथक हो जाती हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो गर्म हॉट मोल्टन स्टेट में जो पदार्थ है, मतलब पिघला हुआ पदार्थ है, वो जब ठंडा होता है फिर गर्म होता है, और इस तरह से ये क्या करता है, प्लेटों को अलग अलग कर देता है और आकार में बढ़ने लगता है। इसका प्रमुख उदाहरण मध्य अटलांटिक सबृत श्रेणी यानी मिड अटलांटिक रेंज के साथ समुद्र तल तक फैलना है। ये यहाँ पर जो अटलांटिक एरिया है वहाँ पर इस समुद्र तल तक ये फैला हुआ है। दूसरे क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, एक दूसरे को सीधा धक्का देती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाता है। संलग्न प्लेटों के बीच गति के कारण, चाहे गति की दिशा जो भी हो, चट्टानों में दरार आ ही जाती है। अब जब प्लेटें होती हैं एक दूसरे के साथ में गति करती हैं, और कभी तेज गति कभी हल्की गति, तो इस वजह से इनके बीच में दरार आ जाती है, जिससे भूकंप आता है। तो भूपर्पटी में आने वाली दरार जिसके साथ चट्टान भूकंप के दौरान विस्थापित हो जाती हैं, भ्रंश कहलाते हैं। लगभग 95% भूकंप अंतः क्रिया वाले प्लेट के किनारे होता है, मतलब जो प्लेटों के कारण ही भूकंप आता है। इन प्लेटों की गति के कारण होने वाला कंपन क्या कहलाता है, विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाता है। मानवीय कारक भी होती हैं भूकंप के लिए, जैसे खनिजों का निष्करण, खनन, सड़क बांध आदि बनाने के लिए डायनामाइट से चट्टानों का विस्फोटक कराते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि माइंस में अब कोई कोयला निकाल रहा है, पेट्रोल निकाल रहा है, इन सब के लिए क्या करते हैं, वो डायनामाइट एक बहुत ही खतरनाक सा क्या होता है, एक बॉम्ब टाइप का होता है, उससे चट्टानों को फोड़ते हैं। और फिर उसके बाद भी क्या होता है, तीव्रता बहुत तेज हो जाती है और इसकी वजह से भी भूकंप आता है। अच्छा, भूकंप का परिमाण क्या होता है, मतलब भूकंप को हम नापते कैसे हैं? तो भूकंप के परिमाण का निर्धारण भूकंप मापी यंत्र द्वारा रिकॉर्ड डाटा से किया जाता है। भूकंप का परिमाण मापने का सबसे प्रचलित स्केल होता है रिएक्टर स्केल। ये सबसे पुराना था, जिसे रिचर स्केल कहा जाता था इंग्लिश में। रिएक्टर पैमाने पर 2.0 से 2.4 तीव्रता का अगर भूकंप आ रहा है तो वो विनाशकारी नहीं है। 4 से 6 के बीच आ रहा है तो ये काफ़ी हद तक विनाशकारी होता है, बट अगर 6 से 9 के बीच रिएक्टर पे आ गया तो इसका मतलब ये विनाशकारी है। ये क्या करेगा, पेड़ पौधों तो उखाड़ी देगा, बिल्डिंगें भी गिरा देगा। भूकंप द्वारा होने वाला विनाश भूकंप के क्षेत्र अर्थात सघन आबादी वाले क्षेत्र या दूर दराज के क्षेत्र, इस बात पर भी निर्भर करता है। भूकंप के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, परिणाम इससे जानमाल की तो बहुत क्षति होती है, कंपन से भूपृष्ठ पर भयंकर तबाही होती है, मकान गिर जाते हैं, सड़क और रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, सुनामी और बाढ़ टूटने के कारण जो आवासीय क्षेत्र हैं वहां पर पूरे में बाढ़ आ जाती है, द्रवीकरण से भूस्खलन होने लगता है, यानी अब पूरे ज़्यादा पानी पानी सब जगह हो गया तो अब पहाड़ वगैरह भी गिरने लग जाते हैं। अब भूकंप का अनुमान और इससे निपटने की तैयारियां क्या करनी चाहिए, तो कुछ सावधानियां बरतकर हम इससे होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। जैसे कि जान माल की अधिक क्षति मकानों के गिरने से होती है, अतः हमें मकानों को भूकंपरोधी बनाना चाहिए। मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री, मकान की संरचना और रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए, तो इस तरह से भी हम रोक सकते हैं। अच्छा, भूकंप के समय क्या करना चाहिए, भूकंप के समय यदि घर के अंदर हो तो किसी मजबूत मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए, भारी सामानों से दूर रहना चाहिए ताकि ये शरीर के ऊपर ना गिरे। यदि घर के अंदर हो तो किसी मजबूत वस्तु को आवरण या अपना ढाल की तरह लगा लें, जिससे क्या हो कि कुछ भी गिरे तो हमें उससे चोट ना लगे। यदि घर से बाहर हो तो मकानों, बिजली के खंभों, पेड़ों आदि से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके
उखड़ के गिरने के बहुत संभावना रहती है। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। भूकंप क्या है, इसके क्या कारण है? तो पहले का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ज्वालामुखी का फूटना से लेके फूटने के साथ होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। फिर लिखना है, अगर इतना 2 से 4 के बीच में आ रहा है तो विनाशकारी नहीं होता है, 4 से 6 के बीच में आता है तो कुछ सीमा तक विनाशकारी होता है और अत्यंत विनाशकारी होता है, यहाँ तक करना है। तीसरा प्रश्न है, भूकंप के दुष्परिणाम। तो इसके लिए आपको पहले यहाँ से लिखना है, इससे जान माल की क्षति होती है, और पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको करना है, तीसरा ऑप्शन करना है। अगला प्रश्न है, भूकंप के से होने वाली क्षति को कैसे कम किया जा सकता है? फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, कुछ सावधानियाँ बरतकर हम इससे होने वाली क्षति को दूर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, भूकंप के समय जैसे ही कंपन का आभास हो क्या करना चाहिए? तो पांचवे में आपको पहला ये लिखना है और दूसरा ये और तीसरा ये पॉइंट लिखना है। मिलान तो मैंने बता ही दिए थे आपको, कंपन को 10 से मिला, कंपन की तीव्रता यानी 1 को 10 से मिलाना है, 2 को 7 से मिलाना है, 3 को 8 से मिलाना है, 4 को 12 से मिलाना है। और इसमें तो मैंने ये करा ही दिया था, इसमें प्लेटलेट धीरे धीरे निरंतर गति करता रहता है, इस पर सही कर देना। परिभाषा देखिए, भूकंप उद्गम केंद्र। अच्छा बच्चों, प्रश्न नंबर जो 1 कराया था उसकी एक लाइन ये रह गई है, आपको ये भी करना है। घा का पहला आप यहाँ से करेंगे, वह बिंदु जहाँ से लेकर भूकंप उद्गम केंद्र कहलाता है। घा का दूसरा है, भूकंप तरंगे, इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, भूगर्भित से लेके भूकंप तरंग कहलाता है। अगला है भ्रंश। घा का 3 आपको यहाँ से करना है, भूपपर्टी में आने वाली दरार से लेके भ्रंश कहलाता है तक। लास्ट प्रश्न है प्लेट, इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे, ये माना जाता है इसे लेके कई हजार किलोमीटर तक होता है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे, तब तक आप इसको रीड करके आएंगे। बाय। तो चिल्ड्रन न्यू क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।